नए साल पर दिल्ली को कोरोना ने जकड़ा, 24 घंटे में 2716 नए मामले, एक मरीज की मौत। नए साल पर मुंबई में भी कोरोना में मचाया कोहराम, 24 घंटे में 6347 नए मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना की वीआईपी एंट्री, 10 मंत्री और 20 से ज्यादा विधायक संक्रमित, डिप्टी सीएम ने जानकारी दी। कोलकाता में भी नए साल के जश्न के बाद बजी है खतरे की घंटी, एक दिन में 2398 नए मामले। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 4512 नए कोरोना के मामले, संक्रमण की दर 12.02। दिल्ली में 15 साल के ऊपर के बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी, अलग सेंटर्स पर कल से लगेगा टीका। तेजी से फैलते कोरोना संक्रमण के बाद भी दिल्ली के बाजारों में दिखी लापरवाही, साल के पहले दिन कनॉट प्लेस में जुटी भीड़। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 6 और ओमिक्रॉन के मामले, अब तक कुल 460 बीमार। मुंबई के अलावा महाराष्ट्र के दूसरे जिलों में भी कोरोना का बढ़ा है खौफ, 24 घंटे में 9170 मामले। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, 700 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन खपत होने पर सरकार लेगी लॉकडाउन का फैसला। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 1069 नए कोरोना के मामले, एक की मौत हुई है, एक्टिव केस 3900 के पार। देश भर में ओमिक्रॉन ने एक महीने में 1400 से ज्यादा लोगों को किया है बीमार, 2 दिसंबर को सामने आया था पहला मामला। गुजरात में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 23 मामले नए सामने आए। तेलंगाना में नहीं थम रही ओमिक्रॉन के संक्रमण की रफ्तार, 24 घंटे में 12 और अब तक कुल 79 मामले सामने आए। यूपी में भी तेजी के साथ पैर पसार रहा है कोरोना का संक्रमण, नोएडा में 24 घंटे में 61 केस। हरियाणा में तेजी से बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले, 5 जिलों में स्कूल कॉलेजेस शिक्षण संस्थान बंद। पंजाब में भी नए साल पर कोरोना की बढ़ी रफ्तार, 24 घंटे में 332 नए मामले, पटियाला में सबसे ज्यादा 98 मामले। कोरोना के बढ़ते केस पर गहलोत सरकार का निर्देश, 1 फरवरी से बिना वैक्सीन वालों को घर से बाहर निकलने पर पाबंदी। बिहार में भी कोरोना का बढ़ने लगा है खतरा, एक दिन में 281 लोग बीमार हुए। तमिलनाडु में कोरोना का आंकड़ा फिर से लगा है डराने, 24 घंटे में 1489 सामने आए मामले, एक ओमिक्रॉन का मामला। झारखंड में भी कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा, बीते 24 घंटे में 1007 मामले दर्ज। कर्नाटक में भी 24 घंटे में 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, बेंगलुरु में 810 ताजा मामले। मुंबई में 15 साल के ऊपर के बच्चों को वैक्सीनेशन की तैयारियां पूरी हुई, 9 सेंटर्स पर कल से लगाई जाएगी वैक्सीन। दीपेंद्र हुड्डा कोरोना पॉजिटिव हुए, फिलहाल घर पर ही क्वारंटीन। बॉलीवुड एक्टर मृणाल ठाकुर भी कोरोना पॉजिटिव, घर पर ही हुई है आइसोलेट। यूपी के खिलाड़ियों को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, आज मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर पीएम 32 इंटरनेशनल खिलाड़ियों से भी संवाद करेंगे, सियासी कार्यक्रमों के बाद जनसभा को करेंगे संबोधित। पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे सीएम योगी, अटकलों पर लगाया है विराम, कहा सीट तय करेगी पार्टी। सीएम योगी ने किया है दावा, पार्टी जीतेगी 300 से ज्यादा सीटें, तय वक्त पर चुनाव की वकालत की। समाजवादी पार्टी पर योगी का पलटवार, कहा पहले सीएम आवास पर दंगाइयों का होता था सम्मान, अब होता है किसानों का सम्मान, गुरबाणी का पाठ। यूपी में अखिलेश यादव की ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश, भगवान परशुराम की मूर्ति का करेंगे अनावरण। यूपी चुनाव में पहले अखिलेश ने चलाया फ्री बिजली का दावा, कहा समाजवादी पार्टी की सरकार अगर बनी तो 300 यूनिट मुफ्त। अखिलेश यादव ने फ्री बिजली पर सीएम योगी ने तंज कसा, कहा अपनी सरकार में भारी भरकम बिल बांटने वाले कैसे देंगे फ्री बिजली। पंजाब के बाद केजरीवाल यूपी में खोलेंगे वादों का पिटारा, आज लखनऊ में रैली। रैली में केजरीवाल युवाओं को रोजगार, 10 लाख नौकरी, 300 यूनिट मुफ्त बिजली का कर सकते हैं वादा। चुनाव से पहले पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा बयान, कहा सिद्धू के साथ काम करने को तैयार। अमृतसर में अकाली नेता विक्रम अजीठिया के लगे हैं सड़कों पर पोस्टर, पोस्टर्स पर लिखा है गुमशुदा की तलाश। पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दरबार में बीजेपी एनसीपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, बीजेपी के तुषार भोसले को पूजा करने से रोकने की कोशिश। साल के पहले दिन राहुल गांधी का संकल्प, ट्वीट में लिखा सत्य न्याय और जन अधिकारों के लिए करेंगे काम। पीएम के त्रिपुरा दौरे से पहले बीएसएफ ने सरहदी इलाकों में सुरक्षा को चाक चौबंद किया, अगरतला एयरपोर्ट पर बढ़ा दी है चौकसी। वैष्णो देवी हादसे की जांच के लिए बनी जांच कमेटी, एडीजीपी जम्मू कश्मीर के डिवीजनल कमिश्नर को दी गई है जिम्मेदारी।
भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को यूपी सरकार देगी 2 लाख रुपए की सहायता, सीएम योगी ने जताई है संवेदना। माता वैष्णो देवी हादसे में दादरी के मोनू शर्मा की भी मौत हुई, मामा के घर रहकर ओला चलाता था मोनू। दिल्ली में सोशल मीडिया पर मुस्लिम महिला की नीलामी का गरमाया है मामला, साइबर सेल ने दर्ज किया है मामला। सुकमा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 8 महिला समेत 44 नक्सलियों ने समर्पण किया। हरियाणा के भिवानी में पहाड़ दरकने से 4 लोगों की मौत हुई, कई लोग दबे। भिवानी हादसे पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जताया दुख, कहा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू। भिवानी हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, माइनिंग साइट पर लैंडस्लाइड से हादसा अत्यंत दुखद। भिवानी हादसे के लिए कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा सरकार को बताया जिम्मेदार, कहा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद चल रहा था खनन। भिवानी के डाडम हादसे पर सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने उठाए हैं सवाल, कहा मैंने खनन में इतना बड़ा हादसा नहीं देखा। दिल्ली में सर्दी अभी और सताएगी, नए साल के पहले दिन कड़ाके की ठंड के बाद ठंड जारी। अमृतसर में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त है, कोहरे ने मुश्किलें बढ़ाई। कानपुर में भी सर्द हवाओं से और लुढ़क गया है पारा, सुबह कोहरे ने बढ़ाई है राहगीरों की मुश्किलें। साल के पहले दिन दार्जिलिंग में सैलानियों ने कंचनजंगा का किया दीदार, कहा यहां की खूबसूरती स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। बागेश्वर में बैजनाथ झील के साल के पहले दिन सैलानियों की उमड़ी भीड़, नौकायन का खूब मजा लिया। औली के पहाड़ी इलाके में बुग्याल में बर्फ में मिले 2 पर्यटकों के शव, पुलिस पहचान में जुटी। दिल्ली में नशे के सौदागर को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर पत्थरबाजी, आत्मरक्षा में चलाई गई गोलियां, 4 जख्मी। रोहतक में ड्राइवर हत्या केस में पुलिस को कामयाबी मिली, एक और आरोपी गिरफ्तार। सहारनपुर में 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई, एक सियासी रैली के बाद आपस में भिड़ गए थे 2 गुट। मुरादाबाद में सब्जी कारोबारी का अपहरण, पुलिस ने 36 घंटे के भीतर सही सलामत छुड़ाया, एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। जज्जर में वांटेड क्रिमिनल गिरफ्तार, 50 लाख की फिरौती मांगने में पकड़ा गया। बिजनौर में इलाज के दौरान महिला की मौत हुई, बवाल कटा, डॉक्टर को मारी गई गोली, डॉक्टर घायल। नोएडा में रात में दुकानें नहीं खोलने पर बदमाशों ने मारी गोली, दोनों ही गिरफ्तार। सीतामढ़ी में नए साल पर दिखी हैरान कर देने वाली तस्वीरें, सरकारी स्कूल में जमकर हुई शराब पार्टी। नए साल पर मुंबई एनसीबी ने 3 नाइजीरियन नागरिकों को गिरफ्तार किया, कोकीन के साथ दूसरे ड्रग्स भी बरामद। पलामू में पिकअप वैन से टक्कर के बाद बेकाबू ट्रक मजदूरों पर चढ़ा, 5 महिलाओं समेत 6 की मौत। अमाला में तेज रफ्तार कार ने महिला और साइकिल सवार को रौंदा, महिला की मौके पर मौत हुई। जैसलमेर में सड़क हादसा, 2 की मौत हुई, 1 घायल। करनाल में सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत हुई, खंभे से टकराने के बाद 2 टुकड़े हुए बेकाबू कार के। तमिलनाडु के विरुधुनपुर में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 4 की मौत हुई, 2 घायल। अयोध्या में नए साल पर रामलला को लगा 56 व्यंजनों का भोग, निकली झांकी। सुंदरबन के गांव में बाघ की दहशत, वन विभाग ने शुरू की है तलाशी। सूरत में बुलेट सवार शख्स का लहराता हुआ पिस्तौल बनाने वाला वीडियो वायरल हुआ, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के इटावा में धान किसानों को खरीद का इंतजार है, कर्मचारियों की हड़ताल से खरीदी न होने से किसान परेशान। नए साल पर मोदी सरकार ने लोगों को दी है सौगात, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में 102 रुपए 50 पैसे की कटौती की गई। पटना में खुली ऑर्गेनिक फल और सब्जी की दुकान, लोगों की मांग पूरी हुई। लेह में भी सब्जी की खेती हुई बंपर, मिशन ऑर्गेनिक के लिए पैदावार की गई। खरगोन के नए साल के पहले दिन कपास का रिकॉर्ड तोड़ भाव, पहली बार 10,000 रुपए प्रति क्विंटल हुआ है कॉटन। हरियाणा के यमुनानगर में बोले बीकेयू नेता राकेश टिकैत, दूध को लेकर एक और आंदोलन के लिए तैयार हैं किसान। मोगा में भारतीय किसान यूनियन का प्रदर्शन, चन्नी सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए। बढ़ते ऑर्गेनिक खतरे पर संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने उठाए हैं कदम, बिना वैक्सीन देश में प्रवेश पर रोक लगाई। आयरलैंड के पूर्व राष्ट्रपति रॉबिन्सन ने दी सेंटमेंट्स टूटू को श्रद्धांजलि। इटली में नए साल को अनोखा स्वागत किया गया, लोगों ने बर्फीली नदी में डुबकी लगाकर वेलकम किया। फ्रांस में लोगों ने सावधानी से किया है नए साल का स्वागत। चीन में बच्चों के लिए लगी अनोखी क्लास, सीधे अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस स्टेशन से लेक्चर दिए।